सो है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अभिषेक डोगरा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रो के सीएनजी के कितने माइलेज देती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी सीएनजी के बारे में कि सेंट्रो में सीएनजी किस तरह से काम करती है, तो उसमें मैंने एक बार माइलेज का आपको रफ आइडिया दिया था, एकदम परफेक्ट आइडिया बिल्कुल नहीं दिया था, उसमें मैंने एक रफ आइडिया था। और इस बार मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से पूरा आइडिया दूंगा कि कितनी माइलेज देती है और कितना ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी है सीएनजी में, पेट्रोल में क्या इसमें माइलेज आता है। अभी मैं बता दूँ आपको, मैंने पेट्रोल का माइलेज अभी नहीं करा टेस्ट, मैं आपके सीएनजी किट दिखाता हूँ। ये अपनी सीएनजी की सिलेंडर है, इसमें नॉर्मल सीएनजी किट लगी हुई है, कोई सिक्वेंसर सीएनजी किट नहीं है, नॉर्मल जो अपनी देसी जिसको बोलते हैं वो वाली सीएनजी किट है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, ये है इसका फिलिंग पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ से आपको प्रेशर पता चलता है कि गाड़ी में भी कितना प्रेशर है। सो आप देख सकते हो, तो वो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि अपनी गाड़ी में जो प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो चुके हैं, इसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके पास। आप कमेंट करके बोलो, जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूँगा, क्योंकि इंस्टॉल हो चुके हैं, बस वीडियो एडिट करना बाकी है। तो बात करें इसके माइलेज की, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जो इसका माइलेज है वो है कुछ, आप फुल कराते हो इसके जो सीएनजी सिलेंडर फुल होता है 350-360 में, इतने में फुल होता है, जब उसमें रेड लाइट आती है, किस वाले में रेड लाइट आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका मीटर होता है, ये जो अपना मीटर होता है, जब यहाँ पे रेड लाइट आती है बिल्कुल, अभी आप देख सकते हो 104 किलोमीटर चल गई है और अभी भी इसमें एक पॉइंट है। अगर मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाऊं तो थोड़ा टाइम लेगा ये, और ये ऑन होने के बाद यहाँ पे एक, हाँ ये देखो आप, एक पॉइंट है अभी भी। सो ये अप्रोक्सली अभी कम से कम 125 किलोमीटर चल जाएगी रेड के बाद भी, थोड़ा 10-15 किलोमीटर चल जाती है जब रेड, यहाँ पे रेड साइन आता है, जिनके पास सीएनजी उनको पता होता है कि यहाँ पे रेड सिग्नल आता है जब लास्ट में सीएनजी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद भी 10-15 किलोमीटर चल जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा भी चलती है, बट हाँ मैंने रेड में जो है 10-15 किलोमीटर चलाई हुई है, और उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं कि जर्क दे रही हो या फिर रुक रही हो कहीं कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं, कोई मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं फील हुआ था। मैंने इसको लास्ट टू लास्ट 130 या 132 किलोमीटर चला रखा है इसको पूरा। और ऐसे बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कार ड्राइव करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल माइलेज नहीं आती थी। मैंने इसको जो है फुल सिलेंडर जब मैंने इसका कराया था, और उसमें मैंने 80 किलोमीटर भी चला रखी है, 60 भी चला रखी है मैंने, जो बिल्कुल हाफ है उससे, इतने किलोमीटर मैंने इसमें चला रखी है जिसमें कि रेड लाइट आ चुकी थी 60 किलोमीटर चलाने के बाद। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह चलाते हो, आप ब्रेकिंग कितनी जल्दी लेते हो, कितनी जल्दी आप एक्सेलरेशन देते हो, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। और मेनली होता है आपका कि जिससे आप एसी में चला रहे हो, क्योंकि गर्मियों में एसी आपको पता बहुत ज़्यादा नीड है, तो गर्मियों में जो है इनसे एवरेज सीएनजी में खासकर एवरेज नहीं एक्सपेक्ट करो एसी के साथ, क्योंकि एसी के साथ इसकी बिल्कुल हाफ हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर चलनी होती तो वो 5 किलोमीटर चलती है, इतना ज़्यादा फ़र्क इसमें देखने को मिलता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने ड्राइव करा इसको उतना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई नो कईयों की गाड़ी में होता होगा कि उसमें जा जल जाती है या फिर उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, बट हाँ मेरी सीएनजी गाड़ी में और सेंट्रो में इस वाली में ऐसी सेम दिक्कत मैंने फेस करी है, और ये जेन्युइन दिक्कत है। बाकी बात करें इसकी, मतलब सीएनजी और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो ये जो है मेरी सेंट्रो है 2007 मॉडल जिंग, तो इसमें जो है देसी किट लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छे सेट हो रखी है। अगर आपको पता हो तो देसी किट होती है वो सेट हो जाती है, उसको सेट करवाना पड़ता है, जो ना कि सिक्वेंशियल किट में ऐसा नहीं होता, वो कंप्यूटराइज सेट होती है। सिक्वेंशियल किट जो होती है, मेरे पास दूसरी कार जो है वो सिक्वेंशियल किट में है, तो उसमें ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखाई देता है पेट्रोल और सीएनजी में। बट हाँ इसको मैं सेंट्रो कह सकता हूँ, मैंने पेट्रोल में चला रखी, जब मैं हिमाचल ले गया था तो पेट्रोल में चलाई थी ये। सो एज सच कोई इसमें चेंजेस नहीं लगते सेंट्रो और सीएनजी में, सॉरी पेट्रोल और सीएनजी में, दोनों सेम पिकअप है, कोई चेंजेस नहीं है, सही है और अच्छी लगती है पेट्रोल में, सीएनजी में भी चलाने में सही लगती है, एकदम से पिकअप पकड़ती है, एकदम से एक्सेलरेशन लेती है, कोई मिसिंग नहीं होती। हाँ और मैं दूसरी गाड़ी की बात करूँ जो सिक्वेंसर किट के साथ है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मिसिंग खा जाती है इतने सेट करवाने के बाद या फिर कंप्यूटराइज उसमें मैकेनिकल चेंजेस कराने के बाद भी। तो बात फिर वहीं पे आके एक जगह पे ख़त्म होती है कि भाई कितनी माइलेज देती है आपकी गाड़ी। सो मैं आपको बता दूं जो मेरी गाड़ी है, अब जो है जब मैं इसको ढंग से थोड़ा चलाने लग गया हूँ, पहले मैं इतने अच्छे से नहीं, मैं इसको एक्सेलरेट ज़्यादा करता था, रेव ज़्यादा करता था, ब्रेकिंग जल्दी लेता था, एक्सेलरेशन जल्दी करता था, सो उस हिसाब से जो है मेरी ये चलती थी 80 किलोमीटर फुल होने पर। बट हाँ अब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ एवरेज के लिए, और मैंने निकालनी थी एवरेज, मैं आपको 2-3 क्लिप दिखाता हूँ जिसमें इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी निकली है, वो आप क्लिप पहले चेकआउट करके आओ फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
और अगर आपकी गाड़ी भी एवरेज सही नहीं दे रही तो आपको दो तीन पॉइंट जो है वो अपने दिमाग में रखने चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपका एयर फिल्टर जो है वो साफ़ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करा लो अगर आपने जल्दी चेंज नहीं कराया। दूसरा, आपका इंजन ऑयल एकदम सही होना चाहिए। ये दो चीज़ जो है पूरी सही होनी चाहिए। आप पानी चेक करो अपनी गाड़ी में, जो आप कूलेंट डालते हो उसको चेक करो। ये सब चीज़ जो है अप टू द टॉप होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं एवरेज सही आती है। ब्रेकिंग जल्दी मत लो, स्लो ब्रेकिंग लो, एकदम से इमीडिएट रेसिंग मत दो या फिर इमीडिएट एक्सेलरेशन मत करो। सो ये सब चीज़ें वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हैं आपकी माइलेज के ऊपर। ये मेरा अपना चेक करा हुआ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पहले जो ड्राइव करता मैंने आपको बताया जैसे कि 80 किलोमीटर, और अब आप देख सकते हो क्लिप में आपने देखा कि मैंने 150 या फिर 144 किलोमीटर भी मैंने चला। आप अभी नोटिस कर सको तो यहाँ पर जो है 80 किलोमीटर चल चुकी है और रेड लाइट आ गई है इसमें। जिस तरह से आपने क्लिप में देखा तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जिस तरह से मेरी एवरेज निकलती है काफ़ी सही एवरेज आती है। अब मेरे हिसाब से वो सेटिस्फाई है। बाकी आज के टाइम पर अगर पेट्रोल में चलाना गाड़ी तो काफ़ी इजी है नहीं, आपको खुद पता है कि दिल्ली में कितना ज़्यादा प्राइस हाई हो रखा है पेट्रोल का। सो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छी, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई वो नहीं है कि पेट्रोल में अलग वो रेस आते या फिर इसमें CNG मिसिंग करती है। इस चीज़ से मैं काफ़ी हैप्पी हूँ सेंट्रो के, कि ये काफ़ी मिसिंग बिल्कुल मिसिंग नहीं करती, और वो चीज़ जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर। सो यहीं तक थी वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो बताना मेरे को कमेंट करके, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो साल टिजन बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सेंटर के ऊपर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब आप मुझे ये बताना कमेंट करके कि इसकी पेट्रोल की माइलेज निकालनी है तो वो बहुत सुन निकलवाएंगे, उसकी माइलेज भी देखेंगे कितनी माइलेज देती है पेट्रोल में, क्योंकि मेरे को भी अप्रोक्सली आइडिया नहीं है, शायद 16 या फिर 15 की एवरेज देती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट हाँ, जब एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस वो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे पूरा, सो अच्छे से आपको बताएंगे।